अगर आपने किंग कॉन्ग मूवी देखी है तो उसके मुख्य किरदार को आपने बहुत पसंद किया होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर किंग कॉन्ग का काल्पनिक किरदार असल जिंदगी में मौजूद होता तो धरती वासियों का क्या हाल होता। तो दोस्तों चलिए जानते हैं असली किंग कॉन्ग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। आज से लगभग 1 लाख साल पहले धरती पर किंग कॉन्ग की तरह दिखने वाले जीव यानी विशालकाय जाइगेंटोफिटिकस का राज हुआ करता था, जो चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया के जंगलों में पाए जाते थे। ये जीव इतना विशाल थे कि उनके सामने 6 फीट का इंसान भी किसी खिलौने के समान दिखता था। ऐसे में लंबे समय तक धरती पर राज करने के बाद जलवायु परिवर्तन के कारण जाइगेंटोफिटिकस का अस्तित्व खत्म हो गया। दरअसल किंग कॉन्ग प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे फल फूल और बांस की टहनियां खाकर जीवित रहते थे। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के कारण खाने की कमी हुई और ये जीव धरती से विलुप्त हो गए। लेकिन क्या हो अगर धरती के किसी महाद्वीप या कोने में किंग कॉन्ग आज भी जिंदा हो, जिसके बारे में इंसान और वैज्ञानिक नहीं जानते हो? क्या ये विशालकाय जीव हम इंसानों के लिए खतरा साबित होंगे या हम इंसान ही इसके खत्म होने का कारण बन जाएंगे? किंग कॉन्ग का साइज आज की चिंपैंजी प्रजाति से 4 से 5 गुना बड़ा था। हालांकि ये जीव बिल्कुल शाकाहारी था, इसलिए अगर आज के समय में किंग कॉन्ग जिंदा होते तो इंसानों से दूर किसी शांत महाद्वीप पर मौजूद घने जंगलों में निवास करते। इतना ही नहीं, ये जीव खाने के लिए प्रकृति पर निर्भर होते, इसलिए वे बांस के डंडे और फल फूल खाकर जिंदा रहते। हालांकि उनकी मौजूदगी का इंसान फायदा उठाते और किंग कॉन्ग को देखने के लिए हेलीकॉप्टर या पानी वाले जहाज से उस जीव के ठिकाने तक पहुंचते। वहीं ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में बड़े व्यापारी किंग कॉन्ग को चिड़ियाघर में बंद करके लोगों से मोटी रकम वसूल करते हैं। इसके अलावा तरह तरह के शो में किंग कॉन्ग की ताकत और विशालता का प्रदर्शन करके भी अच्छी खासी रकम कमाते। इंसानों की इस तरह किंग कॉन्ग के जीवन में दखल अंदाजी करने पर ये जीव गुस्सा होकर तोड़फोड़ करने लगते हैं और इंसानों पर ही हमला कर देते। ऐसे में दुनिया की कोई भी इमारत, वस्तु या आर्मी किंग कॉन्ग के सामने टिक नहीं पाती, क्योंकि ये विशालकाय जीव अपने हमले से किसी भी चीज को मिनटों में चकनाचूर करने की ताकत रखता है। ऐसे में दुनिया भर के देश एक दूसरे से लड़ने के बजाय किंग कॉन्ग को रोकने के लिए एकजुट हो जाते और उस पर चारों तरफ से हमला कर देते। अगर इंसान के हमले से एक भी किंग कॉन्ग घायल होता या मर जाता तो वैज्ञानिक उसके शरीर और ताकत पर रिसर्च शुरू कर देते। इस तरह इंसानों के हस्तक्षेप से जाइगेंटोफिटिकस जैसा विशालकाय जीव भी धरती से विलुप्त हो जाता। कोई इस जीव का इस्तेमाल दवाइयां बनाने के लिए करता तो कोई इसके शोक करके पैसे कमाता। इस तरह इंसानी दुनिया किंग कॉन्ग के प्रजाति के लिए विनाश का कारण बन जाती। जिस तरह आज कई दुर्लभ प्रजातियां धरती से धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, अब तो आप समझ ही गए होंगे अगर धरती पर आज भी किंग कॉन्ग यानी जाइगेंटोफिटिकस जैसा विशालकाय जीव मौजूद होता तो इंसान उसके साथ क्या करता। ऐसे में जरूरी है कि हम जानवरों को उसके परिवेश में रहने दें और उनके जीवन में कम से कम दखल अंदाजी करें। दोस्तों क्या आप अपनी जिंदगी में किंग कॉन्ग को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।